नमस्कार दोस्तों, अभी की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, यहाँ तक कि साथियों मुख्यमंत्री भी भावुक हुए। खुद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेकर रवाना हुए हैं। इस तरह से साथियों तबाही मची है कि गांव के गांव पूरे के पूरे डूब चुके हैं। गांव के घर इस तरह से ख़त्म हो गए हैं। लोगों को साथियों घरों के अंदर भी रहने की परेशानी इसलिए आ रही है क्योंकि साथियों घरों के अंदर तक पानी भर गया है। सड़कें तालाब बन गई है। इस तरह से भारी बारिश हुई है कि सड़कों पर कई कई फुट तक पानी हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में शनिवार को 4 घंटे में 4 इंच यानी 100 मिलीमीटर बारिश हुई है। अंबाझारी लेक ओवर फ्लो होने के कारण निचले इलाकों में पानी घुस गया, इससे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सुरेंद्रगढ़ में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। महिला के घर में पानी घुस गया था, पैरालिसिस के चलते चल नहीं पाती थी। रेस्क्यू टीम को सुबह महिला का शव मिला। इसके अलावा 3 लोगों की मौत भी हो गई है। गिट्टी खादान इलाके में अकेली रह रही महिला का शव मिला, उसमें घर में पानी घुस गया था। पंचील चौराहे के पास व्यक्ति का शव नाले में मिला। एक चाय वाले का शव मेडिकल के गड्ढे में मिला। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर बताया है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। अब तक करीब 500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मूक बधिर बच्चों के स्कूल के 70 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है।